हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी दे सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइज, वो ये है कि ईश्वर ने आपके रिश्ते के लिए क्या सोचा है, ठीक है, और क्या वो आपको दोबारा मिलाएंगे, ठीक है। और हम ये देखने वाले हैं कि शिव शक्ति ने स्पेशली क्या सोचा है। सो आज माता पार्वती एंड भगवान शिव की तरफ से रीडिंग करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए शिव शक्ति, आपने मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन के लिए, उनके रिश्ते के लिए क्या सोचा है। हर हर महादेव। आज कार्ड अपने आप से आने दो। पहला कार्ड एंजाइटी आया है, क्या सोचा है। फिफ्थ चक्र, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, वर्ल्ड, आर्कएंजल मेगाट्रॉन, कम्युनिटी, रफाइल, थिंकिंग मैन, कॉर्नोकॉपिया, एप्रिसिएशन, डोर टू वैल्यू एंड पेशेंस, यिन यांग, डोर टू स्पिरिट, ठीक है। ओके, कार्ड्स आ गए बहुत सारे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड आया है एंजाइटी का, तो शिव शक्ति ने यहाँ पर सबसे पहला मैसेज दिया है एंजाइटी कार्ड के साथ कि देखो सोचने से तो नहीं होने वाला कुछ। मतलब ऐसे ही मैसेज मिल रहे हैं, जैसे चैनल हो रहे हैं वैसे ही बताऊंगी। बिल्कुल पहला ही मैसेज आया है कि सोचने से तो नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। उसके नीचे ही कार्ड है कम्युनिटी का। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि ऐसा सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर इस तरीके की अगर आपकी सोच है और इसकी वजह से आप एंजाइटी में हैं, तो शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं कि इससे नहीं होगा कुछ, ठीक है। आपको उल्टा करना है, आपको उनके बारे में ये नहीं सोचना है कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि आपको ये यहां पर करना है कि आप उनके बीच में फेमस कैसे होंगे, ठीक है। मतलब आपको इस चीज पर फोकस करना है कि आप कम्युनिटी में फेमस कैसे होंगे, क्योंकि आपके लिए शिव शक्ति ने एप्रिसिएशन सोच कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वो हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका कनेक्शन आपकी वजह से डिले हो रहा हो, बिकॉज मुझे इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है, यहाँ पर अप्रिसिएशन का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है जैसे शिव शक्ति आपसे चाहते हैं कि पहले आप अपने फाइनेंसिस को बढ़िया करें, ठीक है, आप अपने बेस्ट वर्जन में आए, बिकॉज अप्रिसिएशन कार्ड, ये एनर्जी अप्रिसिएशन डिजर्व करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग अभी अपने आप को वर्दी फील नहीं करते, या फिर उनको कुछ ना कुछ अपने आप को लेकर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं दिखता हूं, मैंने तो ऐसा काम किया है, कुछ गिल्ट है, कुछ शेम है। तो इस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं
एक सही एनर्जी नहीं है यूनियन के लिए। तो जैसे शिव शक्ति ने आपको वेटिंग में डाल दिया है इसलिए ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें, ठीक है। आपको प्रिपरेशन के लिए जैसे यहाँ पर कहा जा रहा हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपसे धैर्य रखवाया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखो। यहाँ पर भी आपको टाइमिंग नजर आ रहा होगा, आपको यहाँ पर एक घड़ी नजर आ रही होगी। तो जैसे कह दिया गया है कि ये समय आपके लिए नहीं है, यानी कि ये अभी जो समय आपको दिया गया है, अभी अगर आपका यूनियन नहीं हो रहा है तो आपसे कहा गया है पेशेंस, क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति कार्ड दे रहे हैं पेशेंस का, और पेशेंस के साथ कार्ड दे रहे हैं डोर टू वैल्यू का। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको उतना पेशेंस रखना है कि जब तक कि आप अपना अपने फाइनेंसेस को बढ़िया नहीं कर लेते, तब तक कि आप वो नहीं पा लेते जो आप पाना चाहते हैं। अपने आपके आपने अपने आप को कितना ऊपर सोचा है, कौन सी जॉब में सोचा है, क्या आप पाना चाहते हैं, जब तक आप वो नहीं पा लेते, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में अप्रिसिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर इस चीज के एंजाइटी में हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो शिव शक्ति आपसे चाह रहे हैं कि आप ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि आप वो करें जो करना आप चाहते हैं, ताकि आपकी लाइफ में अप्रिसिएशन आ सके। दूसरा, यहाँ पर कार्ड है थ्रोट चक्र का, थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र। तो मुझे लगता है कि आपका यूनियन इसीलिए भी डिले हो रहा है, जैसे शिव शक्ति का मैसेज आ रहा है यिन और यांग का, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोग डिवाइन कनेक्शन में ही हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर मुझे दो चक्रास में काफी ब्लॉकेज नजर आता है, एक तो आपके थ्रोट और दूसरा आपके हार्ट। हार्ट चक्र में ब्लॉकेज इसीलिए आ गया है क्योंकि आप बहुत हर्ट हैं अपने पार्टनर से, आई थिंक। और थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज इसलिए आ गया क्योंकि आप बहुत गुस्सा हैं, तो आप बात नहीं करना चाहते। इसकी वजह से ना आपकी बातचीत हो रही है, ना ही आप अपने पर्सन को फील कर पा रहे हैं, ना ही आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो इंसान चाहिए एंड ऑल, ठीक है। हो सकता है कि आप में इस तरीके का ब्लॉकेज आ गया हो कि आप माफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन होगा तभी आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ पाएंगे, और जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ पाएंगे तभी आपका यूनियन पॉसिबल है। तो यहां पर ये दो चक्रास पर स्ट्रांगली वर्क करने के लिए भी शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आपके यूनियन में ब्लॉकेज है आपका थ्रोट चक्र। अगर आप पार्टनर से बात ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, और आप अगर अपना थ्रोट चक्र हील करते हैं तो आपके पार्टनर का भी थ्रोट चक्र हील होगा और वो आपसे बातचीत कर पाएंगे। दूसरा, हार्ट चक्र, अगर आप उन्हें माफ ही नहीं करेंगे तो कैसे यूनियन पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करने के लिए भी कहा जा रहा है, हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का, ये कार्ड बात कर रहा है कि आपको इनर वर्क करने की सख्त जरूरत है, ठीक है। आपको इनर वर्क करने की जरूरत है, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं और कर कुछ भी नहीं रहे हैं, तो शिव शक्ति आपसे चाहते हैं कि आप पेशेंस, आप ये जो टाइमिंग है इस टाइमिंग को आप बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी कि आप आपका जो टाइमिंग है यूनियन का उसको आप डिले करेंगे। यूनियन का टाइम फिक्स नहीं होता है, यूनियन का टाइम आपकी एनर्जीज पर डिपेंड करता है। थिंकिंग मैन का कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं और काम नहीं करते हैं, यानी कि आप मेडिटेट नहीं करते हैं, आप हीलिंग नहीं करते हैं, आप अपने चक्रास के ब्लॉकेजेस को हील नहीं करते हैं, आप अपनी लर्निंग पर फोकस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर शिव शक्ति आपसे चाहते हैं कि आप उन चीजों पर फोकस करें ताकि आपकी लाइफ का ये डिले खत्म हो सके। बिकॉज थिंकिंग मैन कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग सिर्फ सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा, और कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसका मतलब है कोई हीलिंग नहीं कर पाते हैं ताकि ब्लॉकेजेस हटे कनेक्शन में से। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, तो यहाँ पर जैसे जैसे आपको जर्नी में आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि शिव शक्ति आपसे चाहते हैं कि आप अपने थर्ड आई पर हमेशा ही मेडिटेट करें, ताकि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर पाएं कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि भविष्य में आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन, नेम फेम मिलने वाला है, लेकिन आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आप सुन नहीं पा रहे हैं खुद को। यहाँ पर कॉर्नोकॉपिया एंड वर्ल्ड कार्ड है, ठीक है। तो वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है कि आप इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अगर आपका फोकस इस चीज पर होगा कि मैं क्या करने के लिए आया हूं, तो आपको वो चीजें स्वतः ही मिल जाएंगी जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। ऐसे ये कॉर्नोकॉपिया कार्ड के साथ आपकी जिंदगी में आपको वो हर खुशी मिलेगी जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि स्पिरिट्स आपके साथ में है। लेकिन आपका फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि मुझे ये जिंदगी क्यों मिली है, या फिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। आपका फोकस अगर सिर्फ और सिर्फ ये पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपका फोकस सिर्फ ये पार्टनर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये पार्टनर तो आपको मिले थे आपके लाइफ पर्पस से मिलाने के लिए। अब आपका काम है कि आप ये ढूंढें और पहचान करें और यूनिवर्स से पूछें, अपने थर्ड आई पर मेडिटेट करें कि आखिर ऐसा बड़ा काम क्या है जो करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। जब वो आप जान जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका पेशेंस ओवर हो गया है।
ठीक है। सो अगर आप इस पर्सन से एक्शन डिमांड कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये पार्टनर आपका एक्शन ले इस कनेक्शन के लिए, तो यहाँ पर जैसे शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं कि एक्शन और डिले और यूनियन सब आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पर शक्ति का रोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्ले करना है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आपका काम बड़ा है, ठीक है। और आपका काम बड़ा है, आपको ये जानना है कि इस दुनिया में आप क्यों आए हैं। एंड कॉर्नोकॉपिया कार्ड के साथ आपके पास समय के साथ वो हर चीज आएगी जो आप पाना चाहते हैं, जिसके आप हकदारी हैं, वो शिव शक्ति खुद ही आपकी लाइफ में भेज देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप यूनियन को लेकर चिंतित हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने फाइनेंसेस को बढ़िया करना पड़ेगा, आपको आपकी लाइफ में ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आपको अप्रिसिएशन मिले आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि आप अप्रिसिएशन के लिए बने हुए हैं, आपका कुछ बड़ा पर्पस है यहाँ पर आने का। दूसरा, अगर पार्टनर के साथ आप बात ही नहीं करेंगे, या फिर उनके साथ बात करते ही अगर झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि ट्रिगर्स बाकी हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल वे में अगर कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती है, झगड़ा हो जाता है, इसका मतलब ट्रिगर्स हैं। तो आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है थर्ड चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे। यहाँ पर जो आपका कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रांग है, और ये ऐसे ही टूटने वाला कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और ये कनेक्शन एक पेशेंस के बाद 100% बनना है, क्योंकि पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपको सपोर्ट कर रहा है। स्पिरिट्स का स्ट्रांग प्रोटेक्शन है इस कनेक्शन पर, ये कनेक्शन कहीं भी नहीं जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन और कनेक्शन का यूनियन, ये बहुत ही मामूली चीज है शिव शक्ति के लिए, ठीक है ना। लेकिन उनको सिर्फ आप पर यूनियन नहीं कराना है, उनको आपसे कोई काम भी कराना है जिसको जिसके लिए उन्होंने आपको चुना है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा, और यही समय इसीलिए उन्होंने आपको दिया है ताकि आप प्रिपेयर हो सकें, आप अपने अंदर छुपी हुई स्ट्रेंथ को जगा सकें, पहचान सकें कि आप ऐसे इंसान हैं जो लॉयन के साथ भी डील कर लेगा, ठीक है। तो ये चीजें वो आपसे चाहते हैं, ठीक है। आप ये चीज करिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके लिए शिव शक्ति खुद ही करेंगे। ये एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। अभी हम टैरो से और ज्यादा देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कनेक्शन के लिए आपने क्या सोचा है, प्लीज शिव शक्ति गाइड कीजिए। मून, चैरियट, टू ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम से वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर शिव शक्ति आपको सीधा मैसेज दे रहे हैं ये दोनों कार्ड्स के साथ, ठीक है, कि हम आपका जो यूनियन है वो उस दिन करा देंगे जिस दिन आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका टारगेट है। मैं हमेशा ही इस चीज पर बात नहीं करती हूँ कि आपका पर्सन एक्शन कब लेगा, ठीक है। मैं पर्सन पर फोकस कम करती हूँ। आपने देखा होगा कि आपके पर्सन का एक्शन कैसे होगा, कि आपको अपने पर्सन के एक्शन के लिए क्या करना होगा, मैं इस पर बात नहीं करती। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप अपना टारगेट देखिए। मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा ये बताती हूँ कि उनका टारगेट क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर सेपरेशन आया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान की वजह से आया है, या सिर्फ एक ही इंसान को कुछ लर्निंग मिलनी है। दोनों के लिए आया है, दोनों के लिए टारगेट है। आपका पार्टनर अपना देखेगा, आप सिर्फ अपना फोकस कीजिए। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखा रहा है कि आपका टारगेट हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आप इस एनर्जी को टारगेट कीजिए और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और इस एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानवान बनाने की कोशिश कीजिए, बुक्स पढ़िए, नॉलेज लीजिए, ठीक है, और अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है, और अपने अंदर के एम्पैथ
को जगाइए, आप अपने अंदर के डिवाइन और डेविल को बैलेंस करिए, ठीक है। डेविल को घटाइए, डिवाइन को बढ़ाइए, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। और उसी दिन जिस दिन आप तैयार होंगे, उस दिन आपकी लाइफ में, अगर आपने देखा हो मेजर अकाना में हाई प्रीस्टेस को माँ शक्ति की एनर्जी से कंपेयर किया गया है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसी दिन जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, उसी समय आपकी डिवाइन टाइमिंग भी आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल उसी समय, ठीक है ना, एक दिन बाद नहीं, एक दिन पहले, ठीक है। ये एनर्जी है। और अगर आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, इस चीज से परेशान हैं कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है और पता नहीं होगा क्या होगा, वो जाएगी नहीं जाएगी, तो यहाँ पर सीधा कार्ड आया थ्री ऑफ कप्स के साथ, डिवाइन जजमेंट का, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन और थर्ड पार्टी खत्म, ठीक है। तो ये काम तो यूनिवर्स के लिए मतलब बहुत ही आसान है। तो आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, क्योंकि यूनियन तो होना है, ठीक है ना, यूनियन तो होना है यहाँ पे, लेकिन कब होना है, कब पे, जब अगर हम जाएंगे कि कब तक हो जाएगा, तो कब तक हो जाएगा, जिसकी जैसी एनर्जी होगी उसका तब होगा, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी काफी बैलेंस है और आप बैलेंस करते जा रहे हैं हर एरिया में और काफी अच्छा करते जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी होगा। लेकिन आप सिर्फ रो रहे हैं, उसको सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं और ईश्वर से सिर्फ मांग रहे हैं, तो यहां पर आपकी चीजों में डिले होगा, क्योंकि जजमेंट तो होनी है डियर थर्ड पार्टी के साथ। आप लिख कर रख लीजिए कहीं मेरी बात, ठीक है ये, लेकिन आपकी एनर्जीज पर भी डिपेंड करेगा कि यूनिवर्स थर्ड पार्टी पर जजमेंट कब दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जिस तरीके से एनर्जीज चेंज होंगी, उसी तरीके से आपके पार्टनर की भी होंगी। आप ये देखिए, ये क्वीन जो है, कहीं ना कहीं इनका फोकस किंग पर है, ठीक है, और किंग का फोकस डिवाइन टाइमिंग पर है। आप इन कार्ड्स को देखिए, इसका फोकस इन पर है, इनका फोकस डिवाइन टाइमिंग पर है, मतलब कहीं ना कहीं आप पूरा फोकस अपने पार्टनर पे लगाए हुए हो और आपका पर्सन टारगेट को देख रहा है। मैं बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ। आपका जो फोकस है वो अपने पार्टनर के ऊपर है कि ये एक्शन कब लेगा, और आपका जो पर्सन का फोकस है वो इस चीज पर है कि मुझे क्या करना है ताकि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो सके, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। आपका जो पर्सन है वो आपसे काफी ज्यादा इमोशनल है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, या फिर आप बहुत ही ज्यादा प्यार से भरे हुए हैं, या फिर सिर्फ लव आपको ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये दोनों ही दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे ज्यादा इमोशनल है, या फिर वो आपसे ज्यादा लविंग है, बस उनकी एनर्जीज और उनको आप देख नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर्मा बीच में आता है या इश्यूज बीच में आते हैं, ठीक है। आप फोकस्ड हैं अपने पर्सन के ऊपर, उनके एक्शन के ऊपर, आपका जो पर्सन है वो फोकस्ड है अपने काम के ऊपर कि मुझे ऐसा क्या करना है कि मेरी लाइफ ठीक हो जाए, मेरी लाइफ में अच्छा समय शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा समय शुरू होने का मतलब ही डिवाइन टाइमिंग हुई, ठीक है। तो आपका पर्सन अपने कामों पर फोकस नजर आता है और आप मुझे इस पर्सन पर फोकस नजर आते हो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। तो शिव शक्ति अगर आपको मैसेजेस दे रहे हैं, तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, तो आप अपनी लाइफ में खुद चैरियट बनिए, ठीक है। खुद अपने लाइफ में अपने रथ का, जो अपने रथ के घोड़ों को खुद संभालिए, ठीक है। अपनी लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद इस एनर्जी में आइए, जो एक्शन आप दूसरों से डिमांड कर रहे हैं उस एक्शन को अपनी लाइफ में खुद लेना शुरू कीजिए। आपका पार्टनर ऑटोमेटिक एक्शन लेगा आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। फिलहाल तो ये नजर आता है कि आपके पर्सन कुछ चीजों में कंफ्यूजन में नजर आते हैं, वो इसीलिए क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, ठीक है। मैस्कुलर एनर्जी के साथ एक बहुत अच्छी खासियत होती है, उसको क्लैरिटी आई और उसने एक्शन लिया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और वो किसी भी तरीके का एक्शन किसी भी समय ले सकते हैं। बस उनके लिए ये होना चाहिए कि उनके दिमाग में 100% क्लैरिटी हो कि मुझे यही दिशा में जाना है और यही चीज मेरे लिए सही है, क्योंकि वो काफी लॉजिकल होते हैं। तो अगर उन्हें कहीं ऐसा लगेगा कि ये चीज पता नहीं मेरे लिए लॉन्ग टर्म पर सही है या नहीं, तब तक ये वहां एक्शन नहीं लेते हैं। तो उनके चेहरे पर से जैसे ही पट्टियां हटती हैं और उनको ये श्योर होता है कि 100% मेरे लिए सही चीज है, उसके बाद उनके एक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, ये भी यहां पर नजर आ रहा है। तो जैसे आपका पार्टनर तो एनी टाइम रेडी है, ठीक है। यहां पर मून का कार्ड है एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा छुपे छुपे, बंद बंद और काफी हाइड रहते हो, अपने अपनी फीलिंग्स को अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से हाइड कर रखा है, और आप हर चीज को खोने से काफी ज्यादा डरते हो इस फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की तरह, ठीक है। आप चीजों को खोना नहीं चाहते, इसीलिए आप अपने इमोशंस को छुपाते हो, लोगों को कुछ बताते नहीं हो, लोगों के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हो, और ये सारी एनर्जी शिव शक्ति को आप में पसंद नहीं है, ठीक है। हमेशा ही शिव और शक्ति, ये दोनों ही ऑथेंटिक एनर्जीज हैं, और ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे ही जिए जैसे आप हैं, ना दिखावे के लिए अच्छा बनना है, ना ही
ऐसा सोचना है कि मैं अगर सही जीऊंगा तो कोई मेरे लिए गलत सोचेगा, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपको भरोसा अगर है तो फिर आपको ये नहीं सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपका कनेक्शन का डिवाइन टाइमिंग है डियर, और यहाँ पर यूनियन 100% होना है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी इस यूनियन को अपनी लाइफ में अचीव करते हैं। बेस चक्रा, एक्सिलेटेड मोशन, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, एम्प्रेस, स्टैंड योर ग्राउंड, हार्टिक एंड लॉस, न्यू बिगनिंग। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जैसे ही आप एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे और आप अपना हार्ट चक्र ओपन करेंगे, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से बाहर जाएगी। अगर आपका सवाल है मेरे से कि मैम थर्ड पार्टी कब जाएगी, तो यहाँ पर यूनिवर्स का सीधा है कि आपकी थर्ड पार्टी उसी दिन चली जाएगी जिस दिन आप अपना हार्ट चक्र ओपन करके अपनी फुल पावर में खड़े होंगे, ठीक है। जिस दिन आप डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन ऊर्जा में खड़े होंगे, अपने आप को हील करके, अपने हार्ट चक्र को ओपन करके, उसी दिन आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी हट जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ये पूछते हो कि मैम थर्ड पार्टी कब जाएगी, रीडिंग कर दीजिए, बता दीजिए भविष्य अगर आप जानना चाहते हैं, तो यूनिवर्स के मैसेज आते हैं, शिव शक्ति का मैसेज सीधा आ रहा है कि थर्ड पार्टी उसी दिन चली जाएगी आपके कनेक्शन से जिस दिन, ये भी थ्री की एनर्जी है, ये भी थ्री की एनर्जी है, उसी दिन चली जाएगी जिस दिन आप पावर में होंगे, जिस दिन आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में होंगे, जिस दिन आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आप अपनी लाइफ के अपने बेस्ट वर्जन में होंगे, उसी दिन आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी हट जाएगी। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे कि अपना स्टैंड कैसे लेना है, ठीक है, उसी दिन आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो जाएगी। यहाँ पर चक्रास के कार्ड दोबारा आए हैं, आपको हीलिंग यहाँ पर जरूरत है। जो रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया था स्टार्टिंग में, तो आपको यहाँ पर स्ट्रांग हीलिंग की जरूरत है ताकि आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस जल्द से जल्द हील हो सके और आप जल्द से जल्द इस एनर्जी में आ सके। सो इस एनर्जी को जरूर से जरूर जाके क्लेम करें कमेंट सेक्शन में, ताकि आपका यूनियन बहुत जल्दी हो सके। ओके, सो गाइज, ये आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।